सलमान खान क्यों नहीं मानते खुद को लॉयल? क्यों सलमान खान नहीं करते रोमांस में यकीन? इस वीडियो में आपको बताएंगे सलमान खान का किया गया ऐसा खुलासा जो दंग करने वाला है। सलमान खान की गर्लफ्रेंड को लेकर कहा जाता है कि सिर्फ कटरीना कैफ को छोड़कर वो किसी के साथ टिककर नहीं रह सके और इसीलिए उनकी हर गर्लफ्रेंड ने उनका साथ छोड़ दिया। कुछ सलमान खान भी इसे सही मानते हैं और इस पर उन्होंने पब्लिकली मुहर भी लगाई है। सलमान खान ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं इतना जानता हूँ कि मैं लॉयल टाइप का इंसान नहीं हूँ, मुझ पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। सलमान खान के इस बयान को देने के पीछे वजह भी बताई जाती है। उन्हें लगता है कि लड़कियों को कैंडल लाइट डिनर, रेगुलर बातचीत या किसी फंक्शन में एक साथ दिखने की आदत है और ये उनसे हो नहीं पाता, लिहाजा सलमान खान लॉयल वर्ड को अपनी डिक्शनरी में नहीं मानते। सलमान खान ने इस इंटरव्यू में ये भी कहा, मैं भले ही रोमांटिक नहीं हूं, लेकिन प्रैक्टिकल हूं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान ने खुद को लॉयल इसलिए नहीं माना क्योंकि उसकी कुछ वजह भी हैं और वो इसके लिए दोष अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के सिर पर नहीं मढ़ना चाहते बल्कि खुद ही जिम्मा ले लेते हैं। सलमान खान की शादी नहीं हो पाई। उन्होंने और उनकी फैमिली ने हर बार चाहा कि किसी तरह वो दूल्हे वाला सेहरा पहन लें, मगर ये बीते कल की बात है। संगीता बिजलानी ने आखिरी वक्त पर शादी करने से मना कर दिया। ऐश्वर्या राय अपने घर वालों के चलते सलमान से शादी के लिए तैयार नहीं। कटरीना कैफ ने कभी शादी के लिए सलमान के सामने प्रस्ताव नहीं रखा। ऐसे में सलमान को लगता है कि वो किसी के लॉयल नहीं हो सके। सलमान खान की लाइफ में जितनी भी लड़कियां आईं, उनमें से ज्यादातर किसी न किसी हीरो से पहले जुड़ी रहीं, जो सलमान खान को अखरता रहा। संगीता बिजलानी बिंजू अली से अलग होकर सलमान खान की जिंदगी में आई थी। ऐश्वर्या राय का नाम शाहरुख खान से जुड़ने की वजह से सलमान खान परेशान रहते थे। रणबीर कपूर की खातिर कटरीना कैफ ने सलमान खान को छोड़ दिया। ऐसे में सलमान खान मानते हैं, अगर लड़की उनकी जिंदगी को मजेदार में छोड़ सकती हैं, तो फिर लॉयल रहने का क्या फायदा, खासकर तब जब 5-5 गर्लफ्रेंड ने आखिरी वक्त तक साथ नहीं दिया। सलमान खान अपनी फैमिली को सबसे ऊपर रखते हैं और उनकी यह प्रायोरिटी हीरोइंस को पसंद नहीं आई। बताया जाता है सलमान की सभी गर्लफ्रेंड्स चाहती थीं सलमान खान शादी करके उनके साथ रहें, मगर सलमान हमेशा फैमिली के साथ रहने की डिसाइड कर चुके थे। ऐसे में सलमान खान के लिए लॉयल्टी शब्द फैमिली के लिए ज्यादा जरूरी हो गया और यही लॉयल्टी लड़कियों पर भारी पड़ गई और नतीजा ये हुआ कि सलमान खान खुलेआम खुद को लॉयल नहीं बताते। सलमान भले ही ये बात न कहें कि उन्हें हीरोइंस ने यूज नहीं किया, मगर ये बहुत बड़ा फैक्ट है। जैसे ही उनकी एक्स गर्लफ्रेंड को कामयाबी के रास्ते मिलते गए, वो सलमान खान को छोड़ती चली गई। सलमान खान का भी दिल बड़ा था, इस पर उन्होंने कभी एतराज नहीं जताया, वो दूसरों की हेल्प करने में लगे रहे। दोस्तों, सलमान खान के इस बयान से आप कितना सहमत हैं? क्या सलमान खान वाकई में लॉयल नहीं है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।